तो ये हूँ मैं माइनक्राफ्ट खेलता हुआ और स्पीड रन की प्रैक्टिस करता हुआ। बट जब मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर सारा सामान बना रहा होता हूँ, मेरा जो जो सामान मेरे को लगता है स्पीड रन करने के लिए, तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। एंड वो कोई बड़ी चीज नहीं थी, बट एकदम से जैसे ही मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, तभी की तभी तो ओके गाइस, तो यार अभी मेरे सामने भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरे ऊपर भाई कहां से आके बिजली गिर गई। एंड बिजली गिरने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक ही रिंग आ गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ था फ्लैश रिंग। मतलब भाई मेरे को जैसा लग रहा है कि मेरे अंदर भी सुपर पावर्स आ गई है शायद, और मेरे पास भी एक फ्लैश का रिंग आ गया। बट मेरे को नहीं पता यार इसको कैसे यूज करना है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं तो कुछ तो हो रहा है, ये तुम देख रहे हो, इसने इस रिंग को सामने कर लिया है। ओ नो, ओ शिट भाई, मैंने इसको जैसे राइट क्लिक करा मैं यहां पे बन चुका हूं भाई फ्लैश। मैंने फ्लैश के कपड़े पहन लिए और मेरे पास स्ट्रेंथ आ चुकी है, रेजिस्टेंस आ चुकी है, और आ चुके भाई मेरे पास कितनी सारी पावर्स आ चुकी है भाई, मैं गेम के अंदर पर। ओ ब्रो व्हाट द हेल, ये क्या है भाई, मेरे पीछे से थंडर की बिजलियां निकल रही है। ओ माय गॉड यार, ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई मैं फ्लैश बन चुका हूं गेम के अंदर। भाई मैं तो नॉर्मल माइनक्राफ्ट खेलने आया था, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ओ शिट ब्रो, एंड अगर मैं इसी को अगर मैं चेंज कर दूंगा, एंड समझ रहे हो, मैं अपना पीओवी को क्विक प्रो पे कर देता हूं, तो ब्रो मैं कितना फास्ट जा सकता हूं सब जगह आगे आगे। बट ये बहुत अजीब है भाई, मैं तो अपने इसी पे खेलूंगा यार, मेरे को इसी पे खेलने में मजा आता है ब्रो। कितनी ज्यादा लाइटनिंग है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतनी पावर कैसे आ चुकी है मेरे पास। एंड तुम देख सकते हो मेरे पास स्पीड भी है, स्ट्रेंथ भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो भाई मैं कुछ भी चीज कर सकता हूँ पूरे गेम के अंदर। और भाई मेरी जंप देख रहे हो, कितनी ऊंची जंप कर रहा हूं मैं पेड़ जितना कूद पा रहा हूं। भाई मैं पानी के ऊपर भी चल पा रहा हूं यहां पे, इफ अगर मैं अपना शिफ्ट क्लिक करके रखता हूं तो मैं पानी के ऊपर भी चल पा रहा हूं। भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ओ ब्रो देख रहे हो भाई, भाई मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है कि देख रहे हो मैं पूरे पानी के ऊपर भाग सकता हूं। ओ माय गॉड, मेरे को एक बार लैंड पाने दो भाई, मेरे से नहीं हो रहा यार। ओके, तो अगर मैं शिफ्ट अपने को यूज नहीं करूंगा तो भाई मैं नॉर्मल इंसान की तरह भी रह सकता हूं, बट अगर शिफ्ट मैंने दबाया तो मैं भाई फ्लैश बन जाता हूं। और तुम भी देख सकते हो भाई मैं इतनी स्पीड में चलता हूं कि मेरे पीछे थंडर के इफेक्ट्स तक दिखाई दे रहे हैं। एंड ब्रो अगर मैं इसको दोबारा से राइट क्लिक करूंगा तो ओके, तो मैं नॉर्मल भी बन सकता हूं, तो मैं भी वापस एक रॉनिक बन गया, एंड मैं वापस इसको दबाकर मैं बन सकता हूं फ्लैश, लेट्स गो। तो तुम्हारे साथ आ चुका है तुम्हारा फ्लैश भाई, अभी चलो आगे बढ़ते हैं भाई। भाई इसको इजीली यूज करना भाई, ये जो इफेक्ट है वो कितना ज्यादा क्लासी है भाई, मेरे को ये देखने में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। बट मैं क्यों नॉर्मल बनकर क्यों रहूंगा भाई, वैसे नॉर्मल के साथ भी मेरे पास पावर्स पहले से पड़ी हुई है, बट मैं नॉर्मल नहीं, मैं फ्लैश बनकर ही घूमने वाला हूं पूरे के पूरे गेम के अंदर। भाई ये तुम निशान देख रहे हो कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। अगर मैं अभी यहां पे जाकर कुछ भी सामान को तोड़ता हूं तो भाई सब सारी चीजों का स्पीड कितना ज्यादा बढ़ गया है, मेरा सामान मैं कितनी जल्दी तोड़ पा रहा हूं यार। लगा था और भी ज्यादा तेज तोड़ पाऊंगा, बट टूट जा, लगा था थोड़ा तेज तोड़ पाएंगे, बट लेकिन नहीं कोई नहीं, हमारे फ्लैश को माइनिंग करना नहीं आता, इट्स ऑल राइट भाई। बट मेरे पास अभी जो आर्मर है उसके अंदर मेरे पास एक डायमंड का हो है, इसके ऊपर कुछ तो पावर्स लगी हुई, एंड मेरे पास बात साथ में गोल्डन का आर्मर है, बट वो नहीं पता, बस मेरे पास पूरा फ्लैश का सूट जिसे मैं यूज कर सकता हूँ, और एक मेरे पास फ्लैश की रिंग है जिससे मैं कभी भी बन सकता हूँ फ्लैश। ओ ब्रो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो अब मेरे को भी इसकी पावर का चेक करना होगा कि भाई इसके अंदर कितनी पावर है, क्या हमारे अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी, क्या हमारे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी। भाई वापस से बारिश हो गई भाई, मेरे को वापस लग रहा है कहीं वापस से कुछ तो ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि पिछली बार बारिश हुई थी तो भाई हमारे ऊपर हम लोग फ्लैश बन गए थे, अब तो कुछ नहीं होने वाला। मेरे को लगता है कि अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है, और हमको अपनी पावर को चेक करने के लिए सबसे मेन चीज जो हम लोग करते हैं वो होती है भिड़न, और हम लोग जो भिड़ सकते हैं वो किससे भिड़ सकते हैं। तो भाई मेरे को अपनी पावर को चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी पावर है, तो मैं करता हूँ एक चीज। वैसे तुमको तो पता ही, इसी वर्ल्ड के अंदर मेरे साथ क्रिएटिव भी खेलता है, एंड अभी उस समय वो ऑफलाइन है, बट मेरे को पता है वो इस समय उसका टाइम हो रहा है गेम के अंदर आने का, तो मैं फटाफट से उसको डिस्कॉर्ड में मैसेज करने चलते हैं, एंड उसको बुलाते हैं गेम के अंदर, और फिर उससे दिखाता हूँ मैं असली पावर। और क्रिएटिव ओ करनिक भाई, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, स्कूल से आ गया, गेम खेलेगा? हाँ खेलते ना। आजा आजा माइनक्राफ्ट में आजा, मैं तेरे को आज पीवीपी के लिए चैलेंज करता हूँ, आजा हराता हूँ मैं तेरे को। पीवीपी चलने? अबे बहुत जोर आ रहा है ना, तू पहले हरा रहा था मेरे को, दिखा रहा था ना कि भाई तेरे को पीवीपी आता है, अब अच्छा मैं दिखाता हूँ तेरे को पीवीपी किसे कहते हैं। अरे क्या हो गया आपको अचानक से? कॉन्फिडेंस आ गया भाई आज मेरे अंदर, मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है पीवीपी की। देन आओ भाई, मेरे अंदर तो पहले से कॉन्फिडेंस है। आजा आजा गेम के अंदर आना। आ रहा हूं। किधर है? मैं तो गेम के अंदर ही हूं। ये लो भाई मैं आ गया। हां भाई तेरे पे डायमंड का आर्मर वार्मर है? हां बट आपका आर्मर किधर है? भाई मेरे को आर्मर की जरूरत नहीं है इस गेम में, मेरे को नहीं लगता भाई आर्मर मेरे को कुछ कर पाएगा, मैं तेरे को बिना आर्मर के हरा दूंगा यार, तेरे को लगता है क्या भाई? आपको क्या हो गया है भाई? मेरे अंदर कुछ अलग ही ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, समझ गया? पहले आर्मर पहन लो फिर खेलेंगे। अच्छा पीड़ो भाई आ जाओ, आपको तो मार दूंगा, कच्चा चबा दूंगा। अच्छा ऐसे मार देगा क्या? मार ले और मार ले, चबा जाऊंगा। चल ये लो, मरो मार लिया, हो गया। अबे मरे, रुक जाओ एक सेकंड, ये लो ये खाओ।
खा लिया भाई। आधे ग्रेटो आज मैं तेरे को दिखाता हूँ, बहुत दिन से तेरा जो है ना सिस्टम जो है ना वो बंद करने के चक्कर में था। मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, तू बहुत ज्यादा उछल रहा है ना आजकल अपने पीवीपी को लेकर, मारना। अरे मर क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं मरूंगा भाई, अब मार लेना, निकल गई है सारी पावर। रुक रुक जाओ, बताओ आपने करा क्या है प्लीज। भाई मैं क्यों बताऊं, ये देख, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये सब, बताओ ना प्लीज बताओ। अब देख, तू देख मेरी तरफ देख, अब देख रहा हूँ कुछ देख रहा है मेरे हाथ में तू। ये क्या है, क्या लग रहा है तेरे को, क्या घड़ी सी लग रही। 3, 2, 1 ये देख, ये कौन, क्या है ये, क्या लग रहा है तेरे को, स्पाइडरमैन? नहीं रे, स्पाइडरमैन नहीं है ये फ्लैश है, ये भाग सकता है, इसके पास वेब नहीं है, इसके पास स्पीड है। अब कैसे भाग रहे हो, क्या कितना मस्त लग रहा हो भाई, मैं मेरी स्किन के ऊपर फ्लैश की स्किन, ये देख, वाह क्या लग रहा हूँ मैं, कैसे अजीब लग रहे हो। अरे नहीं लग रहा अजीब, कौन कह रहा है अजीब, ये देख, या क्या मस्त लग रहा हूँ भाई मैं। क्या है भाई, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ मैं एरो मारूंगा। मार ले भाई, मैं तो नॉर्मल हाथ से मार रहा हूँ, मेरे को तो कुछ चाहिए भी नहीं। ये क्या है भाई, ये पैर नहीं है, क्या है ये, लैश बन के क्या कर रहे हो भाई आप? बिकॉज भाई मैं स्पाइडरमैन की कॉपी, क्या है ये, स्पाइडरमैन की कॉपी नहीं है ब्रो, ये फ्लैश है, फ्लैश फ्लैश मैं हूँ और मैं फ्लैश हूँ। क्रिएटिव मार ले ना मेरे को मार ले, क्योंकि अब ये तेरा लास्ट मौका है, तो जितना मारना चाहता है मार ले, समझ गया ना, क्योंकि अब मैं तेरे को मारने वाला एक थंडर पंच, और जिसके बाद तू इधर से उधर दिखाई नहीं देने वाला है मेरे भाई, तू जितना तेरे को ट्राई करना है तू मार ले मेरे को भाई। क्रीपर क्रीपर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता क्रीपर मेरा भाई। तो अब क्रिएटिव बाय बाय कर दे भाई अपने गेम को, क्योंकि अब तेरा टाइम आ चुका है, पीछे देख एक बार, मैं देख पानी पे भी चल सकता हूँ, देख रहा है पानी में चल रहा है, भाई क्या, व्हाट।